लोग जैसे कि बाइक ऑन नहीं हो रही थी तो इधर से हमने फ्यूज़ वगैरह चेक कर लिए हैं इसके सारे। ठीक, ये पानी में आज पानी में चली गई थी सो इस वजह से इसके फ्यूज़ में हमने चेक कर लिए हैं। यहाँ से दो फ्यूज़ लगे रहते हैं CVZ एक्सट्रीम के, और साथ ही साथ इसका साइड पैनल खोल के चेक किया गया था, एक फ्यूज़ यहाँ लगा रहता है, देखो दो फ्यूज़ यहाँ, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है, मेन है आगे से दिक्कत। सो मैं आगे दिखाता हूँ, ये देखिएगा इस, तो तीसरा फ्यूज़ ये लगा रहता है नीचे, इनमें दिक्कत है, अभी इसे ठीक करें भैया। पता नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, आगे इग्निशन ऑन ही नहीं हो रहा है। गाड़ी लग गई, ये हो गई गाड़ी ऑन। रेडी हो गए भैया, पहले तो आपके पास लाया, आपके कब से इंतजार किया, ये तो गाड़ी फाइनली रेडी हो गई। हाँ, और फिर लॉक का वायरिंग चेक कर लेना। अच्छा, ये मतलब मेन ये तीन ही आइटम है जिन्हें हम चेक कर सकते हैं। ठीक, ठीक है भैया, फिल्टर पानी चला गया अंदर, ये देखो गाइस इसके अंदर पानी चला गया है। देखो गाइस इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर भी पानी चला गया, साफ कर दिया भैया ने दबा दिया। फिल्टर साफ हो गया, कवर लग गया, चलो फिल्टर का हो गया है काम। सो ये बाइक में ना यार पता नहीं क्या हो गया था, सुबह आज 5 बजे जिम आ रहा था तो 7 बज के जिम आते आते इसको धक्का मारते मारते लाया। तो पहले इसमें वो पीछे आप देख पा रहे हैं उसमें दो फ्यूज़ लगे रहते हैं, उसे खोला कुछ नहीं हुआ था, साइड में बैटरी के साइड से खोला उसमें भी कुछ नहीं हुआ था, फिर मेन फ्रंट खोला, जैसे कि आपने पूरी वीडियो देखी तो वहाँ से पता चला कि मेन जो लॉक है वहाँ से तार शॉर्ट हो गई है, उस वजह से ऑन ही नहीं हो रहा था। तो भैया काफ़ी अच्छे हैं, पर हीरो की बाइक में ही डील करते हैं वैसे भी, उन्हें रिपेयर करने का काम हीरो की बाइक को ही रिपेयर करते हैं, हीरो और होंडा की। आप अपनी बाइक यहाँ पे लेके आ सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे टाइम पे रिपेयर कर देंगे, कोई भी दिक्कत अगर होती है तो सामने से बता देते हैं। ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिना बोलो उन्होंने नट वगैरह उसके जो भी टाइट कर दिए, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है आपका जो मैकेनिक है कैसा है। लगा दिया अभी हो जाएगा इसका ऑयल चेंज फटाफट, और इसकी चेन टाइट है, देखिए चेन का ढक्कन खोल लिया है, अभी उसमें ऑयलिंग वगैरह कर देंगे भैया, ग्रीस वगैरह लगा देंगे, चेन टाइट कर देंगे फर्स्ट क्लास। ये है मोड़ी चौकड़ी का, और यहीं से मैंने ये इंजन गार्ड लगवाया था, ये थोड़ा गंदा हो गया है, इसकी भी वीडियो लिंक में मैं आपको इसका वीडियो के लिंक में दे दूँगा, उसके साथ देख लेना क्लिक करके, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है गाइस, ऑयल निकल रहा है अभी, नहीं पता करते हैं कितना ऑयल है। ये देखिए और ये एक्सट्रीम की सर्विस CVZ एक्सट्रीम, ऑयल देखते हैं कितना निकलता है। ठीक है, तब तक भैया चेन टाइट कर रहे हैं उसकी, ये देखिए चेन टाइट हो रही है, देखिए ऑयल अभी भैया से पूछता हूँ कितना निकल गया ऑयल। छोटी मोटी चीज़ें हैं दोस्तों, आप खुद राइड कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। ये देखिए दोस्तों ये निकल रहा है, ये निकल गया, ये देखिए। और हर महीने महीने अपनी बाइक को सर्विस करते रहिएगा जैसे बाइक भी आपकी अच्छी चले। और गाइस अभी इसकी वॉश नहीं कराऊँगा अभी इसको, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है, इसीलिए चेन कर दी भैया ने चकाचक टाइट। ठीक, ये देखो पूरी बाइक चकाचक हो जाएगी, अभी देखिए ऑयल पूरा निकल चुका है, बूझ बूझ करके टपक रहा है।
भैया को काफ़ी एक्सपीरियंस है, 17 से 20 साल का एक्सपीरियंस है भैया को इस लाइन का, तो हर चीज़ प्रॉपरली चेक करते हैं और तो काफ़ी अच्छे हैं यार। कोई भी चीज़ लगवानी हो तो ये लगा देते हैं इजीली। ठीक सभी में इसमें रिजर्व में अभी सो गई। ये देखिए एक्चुअली में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये अभी रिजर्व में लगा हुआ ऊपर की तरफ, जो 2013 का मॉडल है इसमें ऊपर की तरफ लगता है रिजर्व और नीचे को रहता है मेन। साइड में तो आपको पता ही ऑफ हो जाता है, तो नीचे की तरफ कर देंगे अभी, इसे मेन में हो जाएगा। फिर स्कूटी सर्विस करानी है, ये भी होंडा की, ये भी हीरो होंडा, ये भी हीरो की, ये भी हीरो की, सब जितनी भी हैं सारी हीरो और होंडा की गाड़ी होंगी। और अभी इसमें डलेगा इंजन ऑयल डलेगा, वो भी हीरो कंपनी का ही है, तो कंपनी का ही ऑयल डालें। बोल रहे थे भैया कि आप लोग अपने मन से डाल देते हैं कि इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ये है वो है, ऐसा ना करें, जो कंपनी की है उसी कंपनी का ऑयल डालें। हाँ अगर आपको कभी पर महीने टू महीने इसकी सर्विस करा लें, आपका 1000-1500-2000 चल गई तो इसकी सर्विस करा लें दोस्तों, गाड़ियों को अच्छे से रखें और ऐसी परेशान ना हो। ये हीरो का ऑयल चेंज, गाइस ऑयल ओवर डल गया है, बाकी डन। गाइस फाइनली बाइक हो गई है कंप्लीट, इसका आपको वॉक अराउंड दूंगा। इसकी सर्विस मैंने कराई है लास्ट, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो टोटल, ये देख पा रहे हैं आप, जैसे कि 65,696 पे करा दी। गाइस फाइनली मैं बाइक ले आया हूँ घर, उसमें लगे हैं 500 रुपये, 500 में से 300 का सर्विस ऑयल का था और 200 रुपये उसमें से वो शोल्डिंग वगैरह तार वगैरह जोड़ा था लॉक का। सो कुल मिला के 500 रुपये में गाड़ी ओके हो गई है। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बने रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।